महाभारत के युद्ध में जब कौरवों की सेना मारी गई और भीम की गदा ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया, तब कहारता हुआ दुर्योधन रणभूमि में गिर पड़ा और भगवान पांचों पांडवों को ले गए। पांडवों से कहा भगवान ने कि आज तो विजय की रात्रि है, चलो कहीं उत्साह मनाते हैं। पांचों पांडवों ने तो कहा नहीं नहीं विश्राम करते हैं। भगवान ने कहा नहीं, चलो देखो भगवान जो भी करते अच्छा करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं। हमारे दादा गुरुजी एक बहुत ऊंची बात बोलते थे, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, बेटा जीवन में अगर आपकी निंदा भी हो ना उससे भी सीख मिलती है, जीवन में वाणी स्खलित भी हो तो। धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी कहते थे कि जिस दिन वाणी स्खलित हो घबराना नहीं, लोग बुला भला भले ही कहेंगे पर उससे भी एक नई सीख ही मिल जाती है। पांचों पांडवों को ले गए भगवान दूर। पांचों पांडवों के पांच पुत्र जो दिखने में पांडवों जैसे, देखो भाई टेंट से नीचे उतरे आओ, ओ श्रीमान जी आप बहुत ऊंचे टंग गए, रस्सा लो पकड़े जो तुम बंदरा बनो, नीचे उतरे आ बेटा, राजा ओ बेटा, प्रधानमंत्री सो हाथ ना हला, नीचे आ जा बेटा, नीचे आ जा, कहूं अगर हाथ छूट गो तो नीचे गिलरिया सो डरो देखा ने, नीचे आ जा, वे बोलो भैया जो आस पास बारे हो वे नेता ना बनाओ, नीचे बैठा रहो। एक तो क्या है कि ये जो प्रांगण है ना नेता, यहाँ पर खूब छात्र नेता होते हैं, हाँ लगता है उसी का शौक उसे चढ़ गया, टंग गया, हम पुलिस को भेजें कि तुम ऐसे ही आओगे नीचे, ये बताओ कैसे आओगे, लगता है ये बनारस का है। हाँ देखो तो माए ज्यादा ना कैमरा कर कहू हाथ के चक्कर में नीचे नहीं आ जाए, वे लगे कि हम टीवी में दिखा रहे हैं उसके जान, वे लग रहे हम बहुत बहादुरी को काम कर रहे हैं। हाँ हाँ जरा एक दो लोग वहां जो सेवादार हैं ना एक एक थप्पड़ लगा दो, जो सेवादार हाँ टांग के नीचे ले आओ, अच्छा देखो उसका अखड़पन देखो फिर भी टांगो। सियावल रामचंद्र की जय, बागेश्वर धाम की जय, आहा। तो पांडवों को भगवान दूसरी जगह ले गए, पांचों पांडवों के पुत्र जो पांडव जैसे दिखते थे वो लेट गए जमीन पर जहां पांडवों को लेटना था। इधर दुर्योधन की जंघा टूट गई, रोता बिलखता दुर्योधन समर में डला है, उसी समय लुकता छिपता अश्वत्थामा पहुंचा, अरे दुर्योधन तुम्हारी ये दशा, हमने तुम्हारा राज्य देखा, तुम सम्राट थे, हमने तुम्हारा नमक खाया है, बताओ मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। दुर्योधन रोता हुआ बोला अब क्या करोगे, सब कुछ तो बर्बाद हो गया, अश्वत्थामा मित्र मुझे एक ही दुख है कि हम 100 भाई थे एक नहीं बचे, पांडव 5 भाई थे एक नहीं मरे, बस हमारे मरते समय का एक ही दुख है। याद रखना मेरे पागलो, सत्य शोर नहीं मचाता, सत्य शांत जरूर रहता है पर विजय सत्य की होती है। झूठ का प्रचार और झूठ का शोर बहुत तेज होता है पर टिकता नहीं है, टिकता तो सत्य ही है। एक सत्य एक एक महापुरुष की बड़ी प्यारी लाइन थी, सत्य परेशान हो सकता परास्त नहीं। पांडव क्यों जीते, क्योंकि सत्य रूपी परमात्मा इनके साथ थे। और याद रखना संसार में कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे जरूरी नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि दुनिया किसके साथ है, महत्वपूर्ण यह है कि परमात्मा और गुरु की कृपा किसके साथ है। दुनिया तो कौरवों के साथ भी थी पर क्या कौरव जीत पाए, बोलो
दुनिया तो कौरवों के साथ थी, पर क्या कौरव जीत पाए? दुनिया पांडवों के साथ नहीं थी, पर जीत पांडवों की हुई। जिंदगी में याद रखना, दुनिया किसके साथ है ये महत्वपूर्ण नहीं है, परमात्मा और गुरु किसके साथ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आज की कथा से गांठ बांध कर जाना, दुनिया दे साथ या ना दे, ये दुनिया किसी की नहीं हुई, राजा राम की नहीं हुई, हमारी कब होगी? आज ये जो यहाँ बैठे ना, जय जयकार के नारे लगा रहे, ताली बजा रहे, गुरुजी की जय, तुम लोगों को ही एक झूठा वीडियो दिखा जाए गुरुजी का, तुम सब मुर्दाबाद के नारे लगाने लगोगे। ये दुनिया है किसी की नहीं हुई है, परमात्मा के अलावा कोई अपना नहीं। बात जरूर कड़वी है पर सत्य है, कोई किसी का नहीं हुआ। हाँ कुछ जरूर हमारे परिवार के हैं, कुछ ऐसे रह जाते हैं, कुछ मित्र ऐसे भी रह जाते कर्ण जैसे। पांडवों को भगवान ले गए। दुर्योधन कहता है मित्र एक भी भाई नहीं बचा, बस यही दुख है। मैं प्रण लेता हूं अश्वत्थामा, मैं पांडव का एक का सिर जरूर काट कर लाऊंगा। ठीक है, फिर तो मुझे मरने में सहूलियत हो जाएगी। अश्वत्थामा भागा। अश्वत्थामा ने विचार किया कि सामने से लड़ना तो मुश्किल है, जीतना मुश्किल है, बेकार है लड़ना, क्या किया जाए। उलूकन न्यास विधि अश्वत्थामा ने यहां अपनाई। उलूकन न्यास का मतलब जानते हो? उल्लू की विधि। रात को सोते हुए कौओं पर उल्लू ने हमला कर दिया, सब कौआ मारे गए। इस विधि का नाम है उलूकन न्यास। अश्वत्थामा ने भी उलूकन न्यास विधि को अपनाया और रात में सोते हुए पांडवों पर प्रहार करने का प्रण लिया। पांडवों को तो भगवान ले गए थे, इसलिए हमने पहले ही कहा भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, पर पांडवों के पुत्र लेटे हुए थे। अश्वत्थामा ने लेटे हुए पांडवों के पांचों पुत्रों का सिर काट दिया। पांचों पांडवों के पुत्रों का सिर काट कर अश्वत्थामा के पास भागा भागा गया। देख मित्र, तू एक की कहता था, मैं पांचों को मार कर ले आया हूं। हो। पहले तो मुस्कुराया दुर्योधन, लेकिन जैसे ही गौर से देखा तो चिघार पड़ा, अरे अश्वत्थामा ये तूने क्या किया? ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र हैं, इन नन्हे बालकों ने मेरा क्या बिगाड़ा था, इनको मारकर तूने मेरे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। और दुर्योधन के प्राण निकल गए, दुर्योधन मर गया। अश्वत्थामा को पता लगा कि पांडव जीवित है, अब नहीं छोड़ेंगे ये, भागा अश्वत्थामा। प्रातः काल हुई, मां द्रौपदी जहां बालक सोए हुए थे वहां गई। मारोदीदस्य जननी गौतमी पति देवता। भागवत का प्रथम स्कंद का सातवें अध्याय का 47वां श्लोक पढ़िए। मां रोदीदस्य जननी गौतमी पति देवता। रोने लगी। पांडव दौड़े दौड़े आए, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? किसी ने हमारे बालकों को मार दिया, सिर काट दिया, सिर को ले गया कोई। चिघार चिघार करके द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन ने हाथ में कमान ली, तीर लिया, बाण उठाया और प्रण लिया, आप रोवो मत देवी, मैं क्षत्रिय हूं, मैं प्रण लेता हूं, जब तक पुत्र के मारने वाले का वध नहीं कर दूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, चलो भगवान। भगवान कृष्ण रथ पर आरूढ़ हुए, अर्जुन रथ पर बैठे, भगवान रथ चलाने लगे। कहां चलना है? जहां शत्रु हो वहां चलो, आप तो सब जानते हो कन्हैया, तुमसे क्या छिपा है, आप अंतर्यामी हो मनमोहना, हे प्रियतम, हे मोहन, हे चितचोर। देखो कितना अद्भुत संयोग है, कभी अर्जुन के भगवान सखा बन जाते, कभी अर्जुन के भगवान सारथी बन जाते, कभी अर्जुन के भगवान भाई बन जाते, कभी गीता का उपदेश देकर भगवान गुरु बन जाते, कभी सहपाठी बन जाते। तो है मोहे नाते अनेक, मानिए जो भाव।
अद्भुत संयोग है। मानो भगवान इस लीला से ये बताना चाहते हो कि भगवान तुम्हारे मित्र भी हो सकते, गुरु भी हो सकते, पति भी हो सकते, स्वामी भी हो सकते। भक्त जिस भाव में भगवान को भजता, भगवान उसी भाव में प्रकट होकर भक्त पर कृपा करते हैं। भगवान रथ लेकर चले, अश्वत्थामा आगे आगे, भगवान पीछे पीछे। और जैसे ही अश्वत्थामा ने किसी को आता हुआ देखा तो तुरंत ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन घबराए, भगवान बोले अर्जुन घबरा क्यों रहे हो, ब्रह्मास्त्र का, ब्रह्मास्त्र तो तुम भी चलाना जानते हो, तुम भी चलाओ। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों टकराए। कहा अर्जुन लगता है इससे ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं इसे आता, तुम वापस लो अपना ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र को वापस लिया, अश्वत्थामा को बांधा। भगवान ने तो कहा यही वध कर दो, नहीं, द्रौपदी के सामने वध करेंगे। रथ में बांधा, बांध करके भगवान ले गए द्रौपदी के सामने। और जैसी तलवार निकाली, पुत्रों को मारने वालों को मारना चाहा, तब तक द्रौपदी मैया ने रोक दिया, ठहर जाओ भगवान, मत मारो। क्यों? तीन कारण। एक तो ये ब्राह्मण पुत्र है, दूसरा आपके गुरु का पुत्र है, और इसके पिता तो महाभारत के समर में वीरगति को प्राप्त हुए, इसकी मां रो रही होगी। और अगर पुत्र भी मारा जाएगा तो एक मां का दुख मैं जानती हूं, क्या बीतती है, मेरे पुत्र मर गए तो मर गए, पर इसे मत मारो। विदुष्टर ने भी यही कहा। अब अर्जुन विस्मय में पड़ गए, अर्जुन ने भी विचार कर लिया अब नहीं मारना है, लेकिन तब तक हमारे कन्हैया, हमारे ठाकुर जी, हमारे चितचोर, हमारे माकन चोर, हमारे मुरली वाले छलिया मोहन मुस्कुराकर बोले अर्जुन जी प्रतिज्ञा का क्या होगा, आपने प्रण जो लिया था उसका क्या होगा। हो अब तो आप ही बताओ, क्योंकि बड़े भाई ने आज्ञा दे दी मत मारो, ज्येष्ठ भ्राता पितृ समा, जेठा भाई पिता के समान होता है, अब क्या करें, क्या उपाय किया जाए, आप ही बताओ। भगवान बोले देखो भाई हम तो एक उपाय जानते हैं, क्या, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारणा। ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, लेकिन आतताई व्यक्ति को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन जी हंसकर बोले जब भी बोले तब टेढ़ा बोले, कभी जिंदगी में आप सीधा बोले ही। एक तरफ कह रहे हो कि ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हो आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, एक कुछ बताओ, मारें कि छोड़ें। भगवान बोले देखो हमने तो शास्त्र की बात बता दी, अब जो उचित लगे सो करो। अर्जुन जी बोले महाराज गीता को उपदेश भी हमने ही सुना है, हम ही चेला हैं तुम्हारे, अब हम समझ गए आप क्या कहना चाहते। आपने गीता में कहा माननीय व्यक्ति को मारना अथवा वध नहीं करना चाहिए, माननीय व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु के समान है। अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकाली, धक्का देकर समर से बाहर कर दिया।